नमस्ते। When we were kids, हमें बोला जाता था कि जो करेगा सेवा उसको मिलेगा मेवा। It was kind of a bribe, एक लालच कि हम किसी के पैर दबाएं, हम किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करें। खैर ये तो बचपन की बात थी। As I grew up, I realized that this concept called सेवा is such a wonderful part of a culture कि जितना आप उसको सोचोगे, जितना आप उसकी गहराई में जाओगे, आपको उतना समझ में आएगा कि इसका इम्पैक्ट एक इंसान की ज़िंदगी में क्या हो सकता है। I'll share a small story with you in this video to make you understand maybe the depth and the importance and the impact of the concept called seva. Kuch mahino pehle main aur Rachna, we were in Delhi aur for a samay tha hamare paas, so we went to visit the Gurdwara Bangla Sahib. To jaise Gurdwara mein jate hain, usse pehle we have to take our footwear off. To ek jagah hai jiska naam hai Jodi Khana, jahan par aap apne joote chappal ko rakhte hain. So I had in my hands my leather shoes एंड रचना के सैंडल्स थे मेरे पास, तो मैं गया और मैंने उसको वहाँ डिपॉजिट किए एंड वी वेंट इनसाइड, हमने माथा टेका, दर्शन किए और वापस हम लौट के आए। सो आई गिव द कूपन टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, उन्होंने सैंडल्स वापस दी और जब मैंने जूतों के लिए जब हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इट विल टेक 5 more minutes एंड बिफोर आई कुड आस्क कि क्यों 5 मिनट लगने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके जूते पॉलिश हो रहे हैं। एंड देन आई सॉ फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर देयर इन द बैक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु आर पॉलिशिंग शूज। अरे जूतों का एकदम ढेर लगा हुआ था एंड दे वर बिजी पॉलिशिंग शूज। ट्रस्ट मी, इट वॉज सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि आपको आपके जूते एक तो वो ले रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं और अपने हाथों से वापस दे रहे हैं एंड दे आर नॉट गिविंग यू इन द सेम कंडीशन एज यू गेव देम एज, सो दे आर बींग रिटर्न टू यू इन अ मच बेटर कंडीशन। मैंने जूते लिए, पहने, वापस आया एंड दिस थॉट केप्ट ऑन लिंगरिंग इन माई माइंड दैट व्हाट अ वंडरफुल वे टू समवेयर पुट अक्रॉस दिस होल कॉन्सेप्ट। इस सेवा भाव का जो एक एक कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है एक सिस्टम में डालने के लिए कि आप सेवा करते हो उसके लिए जिसको आप कभी दोबारा मिलोगे नहीं, आप उसके लिए काम कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं। यू आर बींग ऑफ यूज टू समबडी हु कैन नॉट एंड मे नॉट बी एबल टू रिपे यू एवर। व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग व्हाट ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम अपने लाइफ में लेके आ गए एंड नॉट ओनली फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बट इवन साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ वेलबींग कम्स जब हम किसी और के काम आते हैं जो हमारे लिए इन रिटर्न कुछ नहीं कर सकता। और बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि इस फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस से वंचित रह रहे हैं, दे आर वॉइड ऑफ दिस फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। सो इफ यू आर सैड, इफ यू आर डिप्रेस्ड, इफ यू आर डिजेक्टेड, इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, इफ़ यू आर फीलिंग लो इन लाइफ, I think more than anything else, more than you taking a medication, the simplest way to come out of your sadness, the simplest way to come out of your lowness is to find somebody to do something for others. Kisi ko dhundo, kisi ko pakdo jiske liye aap kuch kar sakte ho. So, is video ke through mera aapse ye kehna hoga ki be a part of a group or maybe of a forum of an association jahan par aapko ye seva karne ka mauka mile. Maybe it can be religious by nature, it can be a social group, it can be even your company CSR or it can be a friend, a group of friends of yours. तो जिसके साथ रह के आप ये अपने अंदर ये inculcate कर पाओ सेवा करने का एक thought process. दूसरा, मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके आप उनको सेवा भाव समझाइए, because या तो हम सेवा कर रहे होते हैं या फिर हम सेवा के भोगी होते हैं. So there is nothing called neutral in life. तो बच्चों को अगर हम शुरू से अगर फी कैन मेक देम वॉक ऑन अ पाथ ऑफ डूइंग सम सेवा फॉर सम पीपल, आई थिंक व्हेन दे ग्रो अप दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स वी कुड हैव गिवन टू देम. सो दिस इज सेकंड थिंग. थर्ड इज, सी इफ थ्रू यू समथिंग कैन हैपन दिस वर्ल्ड विच कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं कि आपकी वजह से कुछ लोगों के सर पर छत आ सकती है क्या, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ खुशी आ सकती है कि आपकी वजह से कुछ ये माहौल, कुछ इन्वायरमेंट अच्छा हो सकता है क्या. एंड इट इज़ आई थिंक मोर देन गिविंग मनी, इट इज़ मोर अबाउट श्रम कि क्या हम कुछ कर्म कर सकते हैं इसे. तो पैसा देना इज़ ऑल्सो गुड बट इट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा. दी हाइस्ट फॉर्म ऑफ सेवा इज़ किसी को हम टाइम दे सकते हैं क्या, किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या. इवन मेकिंग अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द स्ट्रीट, द काइंड ऑफ सेंस, द सेंस ऑफ एक्साइटमेंट यू विल हैव विल बी सो वेरी डिफरेंट इफ़ यू आर इन अ पोजिशन डू दैट. So I hope this video puts in a sense of seva in all of us, and it's all about connecting. Seva is all about judna. So jo ye concept tha ki jo karega seva usko milega meva, so it was purely out of fun, purely out of
a way to make children do certain things. But in the long run, you can't have this concept ki jo seva karega usko milega meva. Otherwise, your life will be all about transaction. So be like a tree, jo bada hota hai, aur wo bada hota hai to fir chhau deta hai. Bada hota hai to fir kisi ke liye ghar banne ka ek sahara ban jata hai. Bada hota hai to bahut se phool de sakta hai, bahut se phal de sakta hai. To uska bada hona uske liye nahi hai, uska bada hona kisi aur ke liye hai. Same way as a flower in the garden, it's all about giving the fragrance, giving that beauty to that place. And it's not for itself, it's for all those people who are there. So wo apne hone se seva kar rahe hain, apne hone se wo kuch mahol acha bana rahe hain. I think that's what we human beings can do. Can we make this world a better place through us, with our presence? Jab aap ghar mein pair dabate ho bade buzurg ke, so it's all about you getting connected to that person in your life. So don't leave seva to chance. Just like you have a business, you have your health, you have your academics, you have your relationship. Jaisa aap inko importance dete ho, वैसे आप सेवा को इंपॉर्टेंस दो एंड सेट योर इनिशिएटर्स ऑन द सेवा साइड आल्सो. नमस्ते.